हेलो नमस्ते, मैं सीमा नाथ आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है मुगलाई चिकन। तो मेरे साथ मेरी वीडियो में मेरे रसोई में बने रहेगा अंत तक। आई मुगलाई चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सरसों तेल को गर्म कर लिया है, प्याज को बारीक काट कर धो लिया है। तो अब तेल में प्याज को डाल रही हूँ ताकि प्याज अच्छे से लाल हो जाए। इस प्याज को हमको ब्रिस्ता की तरह तैयार करना है। ये देखिए प्याज अच्छे से लाल हो गया और मैंने इसे किनारे कर दिया ताकि तेल जो भी अतिरिक्त है वो कढ़ाई में चला जाए और प्याज भी ठंडा हो जाए। तो अब चलते हैं हम मसाला तैयार करने के लिए। उसके लिए मैंने तला हुआ प्याज लिया है। दस से बारह मैंने काजू लिए हैं और 8 से 10 मैंने कागजी बादाम लिया है। अब इसमें मैं आधा कप के करीब डालूंगी दूध और डाल दूंगी फ्रेश क्रीम और डाल करके काजू बादाम का पेस्ट तैयार कर लूंगी। तो ये अमूल फ्रेश क्रीम है, इसको भी डाल दिया है मैंने। अब काजू बादाम का मैं पीस करके पेस्ट तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए काजू बादाम का पेस्ट तैयार हो गया। प्याज चिकन करीब 500 ग्राम के करीब है और इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने डाला है इसमें नमक। हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है ये, इसको भी डाल दिया थोड़ा सा। और ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च का ये पाउडर है। साफ नहीं आ रहा है लेकिन ये काली मिर्च का ही पाउडर है। इसको भी मैंने डाला है चिकन में। ये है कोरिएंडर पाउडर, इसको भी डाल दूंगी। तो यहाँ धनिया का पाउडर भी मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा जीरा का पाउडर डालूंगी इसमें। तो ये है जीरा का पाउडर, इसको भी डाल दूंगी चिकन में। तो यहाँ पर सारे बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं।
अब डाल दूंगी बड़ा चम्मच से 5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब डाल दूंगी मैं दही, तो ये दही को भी मैंने डाल दिया चिकन में। और अब आधा नींबू का रस मैं चिकन के ऊपर में निचोड़ दूंगी और सबको मैरिनेट कर करके आधा घंटा के लिए इसको छोड़ दूंगी, रेस्ट पर रख दूंगी। तो ये देखिए आधा नींबू ले आई हूँ मैं, अब इसका रस मैं निचोड़ करके चिकन में डाल रही हूँ। सब कुछ डाल दिया है चिकन में, अब अच्छे से मैरिनेट कर दूंगी इसको। जो भी मसाले दही मैंने डाले हैं उसको चिकन के ऊपर अच्छे से कोट करके 30 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट पर छोड़ दूंगी। तो अब आधा घंटा हो गया है, मैंने कढ़ाई को फिर से गर्म कर लिया है, उसमें सरसों का तेल डालकर उसको भी गर्म कर लिया। अब डाल दूंगी मैं मसाले, यहाँ 2 तेज पत्ता डाल दिया मैंने, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और ये है काली मिर्च, 3-4 लौंग है और शाही जीरा है, जावित्री का और चक्री फूल भी है इसमें। और ये है अदरक लहसुन, इसको भी डाल दिया। जब गरम मसाला मेरा भुन गया तब अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। और यहाँ पर 3 टमाटर हैं, ये मेरे घर के टमाटर हैं, इसको मैंने उगाए हैं, इसको भी डाल दिया है, 3 टमाटर का पेस्ट है ये। अब यहाँ पर भी कुछ बेसिक मसाले डाल देना है हमको, जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर। तो नमक डाल दिया है मैंने, अब हल्दी का पाउडर डाल दूंगी। ये है लाल मिर्च पाउडर जो रेगुलर हम यूज करते हैं खाना बनाने में। और ये है कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, इसको भी हल्का सा डाल दूंगी। यह है धनिया का पाउडर, 1 चम्मच के करीब इसको भी डाल दिया है मैंने। और है 1 चम्मच के करीब जीरा पाउडर। अब इन मसालों को मैं एक बार मिक्स कर लूंगी और थोड़ी देर पका लूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो हट जाए। जो भी अदरक है, लहसुन है, टमाटर है, वो सब अच्छे से इन मसालों के साथ पक जाए। यहाँ पर आंच मैंने तेज करके रखा है, इसको मैंने थोड़ी देर पका लिया है। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन को मैंने इसमें डाल दिया है। इन मसालों के साथ मैं चिकन को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और यहाँ आंच को मैंने कम कर दिया है अभी, तो मसालों के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर दिया और मैंने इसे ढक करके धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। तो ये देखिए अभी भी दही का पानी और चिकन का पानी काफी है, तो थोड़ी देर सूखने का इंतजार करेंगे हम। ये देखिए अभी भी इसमें कुछ कुछ पानी है और एक बार अच्छे से चिकन को चला रही हूँ मैं ताकि ये बराबर से पक जाए।
यहाँ पर जो भी पानी था दही का वो सब सूख गया है। और अब मैंने जो तैयार किया है मसाला, काजू, बादाम, प्याज, दूध और फ्रेश क्रीम से उसको थोड़ी देर में मैं चिकन में मिला दूंगी। तो ये देखिए काजू बादाम का पेस्ट मैं लेकर आई हूँ और चिकन में डाल करके उसको मिक्स कर दूंगी और मिक्स करके थोड़ी देर ढककर और पकाऊंगी। इसको डालने के बाद ग्रेवी एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो गई थी और काफी स्वाद हो गया था इससे। और अब आंच को मैंने धीरे धीरे कर लिया है और ये देखिए काफी उड़ रहा था इसलिए मैंने इसको ढक दिया है। ढक कर धीमी आंच पर थोड़ी देर और पकाऊंगी। और ये पकते पकते इस तरह का हो गया तो यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा पानी, डाल करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी सबको। तो ये 3-4 हरी मिर्च है जिसको मैंने धो लिया था और उसका डंठल निकाल दिया था, उसको डाल दिया चिकन में। अब डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, मैं थोड़ा और डालूंगी मैं। तो ये कसूरी मेथी भी मैंने डाल दिया है। अब डाल दूंगी MDH गरम मसाला को, तो उसको भी थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें और डाल करके इस अच्छे से एक बार मिक्स कर लूंगी। और यहाँ जो प्याज मैंने तला था कुछ को डाल करके काजू बादाम के साथ पेस्ट बनाया था, कुछ को रख लिया था मैंने, उसको भी डाल दिया है अभी और डाल करके सबको एक बार मिक्स कर लूंगी मैं। और फिर से इसको ढक दूंगी और आंच को धीमी कर दूंगी मैं। तो ये देखिए पकते पकते कुछ इस तरह का हो गया है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा धनिया की पत्ती जिसको धोकर मैंने बारीक काट लिया था। तो यहाँ हमारा मुगलई चिकन तैयार हो गया जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट था। कभी इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा और अपने मेहमानों को भी खिलाइएगा, वो ज़रूर से इसको पसंद करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।